फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की, यही घटना। लेकिन सर जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कहे जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी, पुलिस के द्वारा जो है बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, और अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से और बाद में बात की जाएगी। बीजेपी कह रही है, विभाग ने सर अपनी तरफ से क्या आपको जांच का आदेश दिया है कि क्या आपको मंत्री ना करें? जांच का रिपोर्ट आ रहा है, DMSP लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार जनरल डायर हो गई है, गोलियां चलवा रही है सर, आप लोगों पर अटैक कर रहा है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम कर। सर एक सवाल था कि वहाँ सर बिजली अनियमितता को लेकर के बहुत दिनों से लोग परेशान थे, विभाग को क्या ये जानकारी थी पहले से या नहीं थी? कोई अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, और वो इलाका जो हम लोगों का वो जो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं पोल भी गिर जाता है, उसको ठीक करने में एक आध दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 KV का जो भारत सरकार का ग्रिड है, वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई 25 तारीख को शाम को, उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लड़कों लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, लड़के लोग थे, उस लोगों ने ही प्रदर्शन किया होगा। लेकिन क्या लग रहा सर, गोली चलाना बैठक थी? अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। ठीक सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार RGD के साथ जाकर जंगल राज बना रही है, और इसका कारण है मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा, जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ, जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया, अपना नहीं देखता है दूसरे पर आरोप लगाता। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीति बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं जी, इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं कौन सरकार से? तो मणिपुर में मुख्यमंत्री का है ना इस्तीफा दे रहा है, विरोधी की बदौलत सरकार बनी है, कि सरकार अपनी वोट बहुमत पर बनती है। सर, इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, सदस्य हैं, पार्लियामेंट में आज काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं मणिपुर मामले को लेकर, क्या लगता है जो विरोध है किस तरीके से सरकार को? स्वाभाविक है, जब प्रधानमंत्री सदन में आते ही नहीं है, जब बहस कराने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष का काम है विरोध करना, अपना बात को रखना। प्रधानमंत्री सर कहते हैं कि तीसरी बार भी हमारी सरकार आएगी, अभी ये मोदी की गारंटी है कि टॉप 3 इकोनॉमी में हम लोग चले जाएंगे 24 में, क्या लगता है कि सरकार आएगी? इतनी चिंता का है उनको, जब तीसरी बार भी उनकी सरकार आएगी तो चिंतित काहे हैं, काहे डरे हुए हैं, काहे इतना परेशान हैं? ठीक है।